जी आज हम जा रहे हैं दरियाए सिंध घूमने, तो उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आएगा। तो चले चलते हैं दरियाए सिंध। अस्सलाम वालेकुम, ये हैं ग़ुलाम मदनी और मैं अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के व्लॉग में अब्दुल रहमान को पकड़ के आया हूं मैं, तो आज इनसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा मैं कि ये इतने दिन जो है ये कहां गायब रहे हैं, इन्होंने कोई व्लॉग भी नहीं बनाया। व्लॉग तो मैंने भी नहीं बनाया था। तो एक दूसरे से ही आज हम रीज़न्स पूछेंगे कि क्या वजह है कि इतने दिन व्लॉग जो है क्यों नहीं आया हमारा। मैं एक फ्रीलांसर भी हूँ, जो मतलब के फरंगियों का, मतलब के फॉरनर्स का, अंग्रेज़ों का काम करता हूँ। अब्दुलरहमान जी, यार भूख बहुत लग रही है, चलें तो फिर कुछ खाते हैं। दरिया किनारे पर जो है ये बेनज़ीर ब्रिज के पास ही ये होटल है, जायका रेस्टोरेंट, और यहाँ पर जो है फ़िश बहुत मशहूर है यहाँ की। फ्रीलांस वर्क कैसे कि वो भी मैं शौक़ से करता हूँ, क्योंकि वो मेरा तकरीबन मैट्रिक से ही शौक़ है, कंप्यूटर्स और ये वो सारा कुछ, तो वो मैं नहीं छोड़ सकता था। तो मुझे एहसास हुआ तकरीबन दिसंबर के एंड में या मिड दिसंबर में कि ऐसे थोड़ी चलेगा। तो ये घास का बना हुआ, खुश्क घास से बनाया गया छोटा सा हट है। मकामी जो लोग हैं इसे गोपा कहते हैं, और ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे रूम टाइप बने हुए हैं, फुल देसी जो है स्टाइल है। और ये हट के अंदर का इन्वायरमेंट है कुछ। तो इस तरह फिर दोबारा मैं फ्रीलांस वर्क की तरफ गया हूँ, अब थोड़ा बहुत वो भी काम कर रहा हूँ, और साथ में इंशाल्लाह अब आपके साथ भी जुड़े रहेंगे ये यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए। अब मैंने और मदनी साहब ने ये डिसाइड किया कि हम हर हफ्ते कम अज़ कम एक वीडियो लाजमी बनाया करेंगे। इधर हम एक पुरसकून जगह पे बैठे हुए हैं, बहुत ही सुकून है, हाल हवाल कर रहे हैं,
तो अब हम मदनी साहब से पूछेंगे कि आप क्यों दूर हुए यूट्यूब से। तो तकरीबन नवंबर से दिसंबर तक तो प्रॉपर व्लॉगिंग की है मैंने और अब्दुल रहमान ने, और दिसंबर तकरीबन मिड ऑफ दिसंबर से जो है वो हमने जो है डिले लिया है, वीडियोज़ नहीं बनाई। तो मेरी रीज़न तो उसमें ये थी कि पहले पहले तो मैंने ये सोचा कि आ रही हैं आगे सर्दियों की छुट्टियां, तो उसमें ना हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे, तो उसके लिए मैंने कुछ 4-5 दिन जो है वो व्लॉगिंग ख़त्म की। जैसे ही छुट्टियां आ गई तो छुट्टियों में एक तो रोज़ सोचते थे हाँ जी आज से काम करना शुरू करते हैं, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा सर्दी हुई हमारे इलाके में कि डेली ही हम सोचते हैं कि आज जी कहीं निकलते हैं, कोई व्लॉग वगैरह बनाते हैं, लेकिन वो दिन जो है वो हमें बाहर निकलने नहीं देता था। एक तो रीज़न ये हो गई मौसम की। दूसरा ये कि कुछ मैंने इस वीडियो से पहले भी एक वीडियो बनाई है फैसलाबाद वाली, तो उसमें भी मैंने बताया है कि हम शिफ्ट हो रहे थे कुछ सिंपल वाले जो सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ कर रहे थे वीडियो एडिटिंग के, उनसे हम आ रहे थे इस पे प्रीमियर पे, प्रीमियर प्रो पे वीडियो एडिटिंग करने के लिए कि हम कोई प्रोफेशनल लेवल की अच्छी सी वीडियोज़ बनाएं। तो उसके लिए जब कंप्यूटर में हमने इंस्टॉल किया सॉफ्टवेयर तो वो नहीं चल रहा था उसमें, क्योंकि हमारे पास जो लैपटॉप था वो उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने अब्दुलरहमान से भी रابطہ किया, इन्होंने बताया कि हम जो है सिस्टम लेते हैं कोई अच्छा सा। तो उन चक्करों में जो है चलें जी आज जाते हैं कल जाते हैं, मौसम को भी देखते, लेकिन फिर भी हमने जो है वो प्रोग्राम बनाया फैसलाबाद से सिस्टम लेने का। तो मैं फैसलाबाद चला गया था, सिस्टम लेकर आए, उसे सेट करते रहे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, फिर उसको कई दिन कुछ थोड़ा बहुत बेसिक उसके सीखने पे ही लग गए। तो इन चक्करों में जो है मेरा टाइम ज़ाया हुआ है, लेकिन ये डेली मेरे जहन में था कि हाँ जी बनाते हैं आज से व्लॉग बनाते हैं, तो मेरा तो इन चक्करों में जो है काफ़ी सारा टाइम ज़ाया हो गया है। ढलते सूरज के साथ हम तहिया करते हैं कि तकरीबन हर हफ्ते में हम ज़रूर वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे। तो इजाज़त दें, अल्लाह अल्लाह हाफिज़।